जय गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम। थैंक यू तृप्ता आंटी, जो आज आपने सेवा का मौका दिया, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बिना ना कोई सेवा कर सकता है, ना ही उनका कोई गुणगान कर सकता है। सब जो भी कराने वाले हैं, गुरु जी अपने आप टाइम के अनुसार सबको जोड़ते जाते हैं और अपनी सेवा जिससे करानी होती है उनको अपने समक्ष लेके आते हैं। तो हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरु जी ने कैसे इतनी 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 जनसंख्या है दुनिया में, गुरु जी ने कैसे चुन चुन के मोती अपने चुने हैं और सबको ब्लेस कर रखा है। जो भी गुरु जी से जुड़ा है वही गुरु जी का गुणगान कर सकता है, वही गुरु जी की महिमा को बयान कर सकता है। तो गुरु जी अपने टाइम के अकॉर्डिंग सबको अपनी संगत को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी संगत ब्लेस है ज्यादा। गुरु जी ने जिसके ऊपर भी नजर की है, गुरु जी ने खुद चूज किया है। गुरु जी माध्यम बनाते हैं कि कोई बीमार गया गुरु जी के पास, कोई बच्चे के लिए गया, किसी ना किसी को कोई आरजू होती है, गुरु जी उसको एक माध्यम बनाते हैं किसी के जरिए अपने दरबार में बुलाने का। अपनी मर्जी से कोई भी गुरु जी के दरबार में नहीं जा सकता। तो जिसको भी चुना है गुरु जी ने अपने टाइम के हिसाब से, जैसे गुरु जी को जो टाइम डिसाइड होता है वो अपने साथ कनेक्ट करते चले जाते हैं। तो मैंने इन गुरु जी को कभी नहीं देखा था, ना ही कभी इनका नाम सुना था। और मैं अनंतपुर वाले गुरु जी को मानती थी। मैंने 8वीं क्लास से उनका नाम लिया हुआ था। बचपन था, शौक था, मम्मा के साथ कुटिया पे जाते थे तो उनका नाम ले लिया, बट कभी जपा नहीं था। बट मेरे ड्रीम में बहुत ही स्नेक आते थे जब मैं छोटी सी थी, और उन सांपों से मैं बहुत डरा करती थी, और वो सांप बहुत आते थे। मैं पेड़ पे भी चढ़ जाती थी, वो सांप मेरे को पेड़ पे भी ऊपर लटक जाते थे, मेरे को मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं रात को चिल्लाती भी थी कि सांप आ गए। संगत जी ये सिलसिला चलता रहा, मैंने मम्मी के साथ कुटिया पे जाना। बट जब गुरु जी का टाइम आया तो मैं 2002 में मेरी मैरिज होके मैं गुड़गांव आई, और मैं यहाँ पे अपने गुरु को मिस करती थी, क्योंकि मम्मा के यहाँ रूटीन बना हुआ था वहां उनके साथ, जैसे ही शाम होनी उनके दरबार में जाना, कुटिया पे सत्संग सुनना और घर आना। तो शाम को ये हमारे कोई पिछले ही अच्छे कर्म होते हैं जो हमें भगवान के रास्ते पर लेके जाते हैं। कोई हमने अच्छे ही कर्म किए होते हैं कि स्टार्टिंग से ही गुरु जी ने अपने साथ कनेक्ट किया हुआ था। तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने हमें अच्छा रास्ता दिखाया और अच्छा रास्ते पे चलाया, और जिसे आज हमें गुरु जी मिले हैं। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं। ये माता पिता की ही दिए हुए मतलब संस्कार होते हैं जो अपने बच्चों को देते हैं। और गुरु जी का हर 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 संगत का शुक्राना कि हम किसी को नहीं जानते, और गुरु जी ने कैसे एक परिवार बना के एक दूसरे से जान पहचान बनवा रखी है। गुरु जी कहते हैं कि यही तुम्हारा असल परिवार है। तो बस 2002 में मैरिज होके आई तो मैं गुरु को बहुत मिस करती थी कि मम्मी के वहां जाते थे। तो गुरु हमारा जो भगवान होता है वो हमारे दिल की बात समझते हैं। जो भी नंगली से वाले कहीं के भी गुरु देखती थी मैं, नीचे आते थे तो मैं ऊपर वाले घर में रहती थी, तो मैं नीचे जैसे ही कोई संत महात्मा देखती थी उनके चरण स्पर्श करने के लिए चली जाती थी। तो गुरु की कुटिया बहुत मिस करती थी। और यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली नहीं थी, मैं अकेली थी, हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, शाम का टाइम में मिस करती थी। तो भगवान को हमारी हर चीज का पता होता है। तो सामने एक मेरे घर के सामने एक बुजुर्ग अंकल आंटी रहते थे, मेरे को उनका नाम भी नहीं पता था। तो मैं उनको शाम को रोज देखना, नमस्ते करना। तो एक दिन मुझे आंटी ने बुलाया, 2008 की बात है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे गुरु ने आना है, तूने उनके दर्शन करने आना है। जैसे ही आंटी ने बोला कि गुरु ने आना है, दर्शन करने आना, तो मैं बड़ी खुश हुई कि आज मैं किसी गुरु के पास जाऊंगी, जो मेरी मन की इच्छा थी कि मैं यहाँ गुरु को मिस करती हूँ। ना आंटी ने मुझे गुरु जी के बारे में कुछ बताया, ना ही मैंने उनसे पूछा। बस आंटी ने मुझे मैसेज दिया और एक जगह का नाम बताया कि यहाँ पे गुरु जी आएंगे। और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे को आंटी ने एक अपने गुरु के यहाँ इनवाइट किया है, तो आप मुझे छोड़ दोगे? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कहाँ पे है। मैंने उनको एड्रेस दिया। वो 25 दिसंबर 2008 का दिन था, और मेरे हस्बैंड ने मुझे वहां पे, जहाँ सत्संग था, मुझे नहीं पता था टाइम पे जाते होते हैं, आंटी ने कहा था 10 बजे स्टार्ट होगा और 12:30 बजे तक शब्द वाणी चलेगी, बस ये मुझे मैसेज दिया। और मैं, संगत जी, मेरी दो बेटियां थी, मेरी बेटियां बहुत छोटी थी और मैं रेंट के घर में रहती थी। और संगत जी, मैंने हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड ने जहाँ सत्संग हो रहा था मुझे बाहर ही छोड़ दिया, मेरे हस्बैंड अंदर नहीं आए और मुझे वो गेट के पास छोड़ के ही वहां चले गए। और संगत जी, वो बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था और गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, और मुझे दूर से ऐसा लगा कि गुरु जी बैठे हुए हैं, और मुझे बिल्कुल गुरु जी राजा महाराजा की तरह लगे, जो उनकी ड्रेस वेयर की हुई थी गुरु जी ने।
तो बिल्कुल राजा महाराजा की तरह लगे। जैसे ही मैं आधा अभी आगे तक चली चली रही थी तो मुझे डर लगा कि यहाँ तो इतनी सुंदर संगत बन के आई हुई है, और हमारे जो गुरु जी हैं, जिन गुरु को हम फॉलो करते हैं, वहाँ सिंपल कपड़े पहन के जाते हैं, सादगी में जाते हैं, और इनकी संगत बहुत ही सुंदर, जैसे मैरिज में आती है ऐसे सज धज के आई हुई थी। और जब मेरी गुरु की तरफ नजर गई तो मैंने कहा ये तो कहीं के राजा महाराजा लग रहे हैं, मैं उनको मत्था भी ना टेक सकी। मैं आधे रास्ते से ही जहाँ पे गुरु जी का दरबार लगा हुआ था वापिस आ गई और मैं दूर बैठ गई। मुझे अपने कपड़ों से शर्म आने लग गई कि मैं ऐसे कपड़े कैसे पहन के आ गई। संगत जी मैं दूर बैठ गई, शबदवानी चली, उसके बाद अमृत, ये जो हमारा जो है मंत्र जाप चला, उसके बाद आरती हुई, उसके बाद एक कर्नल जनरल कपूर अंकल है, जोशी अंकल है, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, उसके बाद शब्द वाणी स्टार्ट हो गई, सदा आंटी एंड मासूम अंकल के वो जो लाइव भजन स्टार्ट हो गए। संगत जी मैं गुरु जी को ध्यान से देख रही थी, तो मैंने गुरु जी को जब ध्यान से देखा तो गुरु जी का जो हाथ था वो उनके माथे पर ऐसे चीक्स के ऊपर था, तो मैं जब गई थी तब भी उनके चीक्स पर था। जब आरती भी खत्म हो गई, सारे शब्द भी चलने लग गए, सत्संग भी हो गया, तो मैंने गुरु जी को ध्यान से देखा कि गुरु जी ने अपना हाथ ही नीचे नहीं हटाया। तो संगत जी जब मैंने ध्यान से देखा तो वो गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था और नीचे सिंहासन बिछा हुआ था, सिंहासन बिल्कुल खाली था। तो संगत जी मेरा दिमाग चलने लग गया कि गुरु जी तो गद्दी पर आकर बैठे ही नहीं है, आंटी ने कहा था मेरे गुरु जी ने आना है, गद्दी तो खाली पड़ी हुई है, ये तो गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, मैं तो समझी थी गुरु जी है जब मैंने एंटर किया था। संगत जी मेरा दिमाग चलने लग गया और मैं बार बार पीछे जो गेट था एंट्री गेट में वहां देखने लगी, गुरु जी अभी आएंगे, अभी गद्दी पर बैठेंगे, गुरु जी हो सकता है जाम में फंस गए होंगे या आते हुए किसी संगत ने उनको अपने घर बुला लिया होगा। मेरा दिमाग चलने लग गया, संगत जी सारा सत्संग खत्म हो गया। इतने में मुझे पुष्करना आंटी दिखी, जिन्होंने मुझे गुरु जी का इनवाइट दिया था, तो उन्होंने बोला बेटे तू आई है, मैंने कहा हाँ, कहती आ तेरे को लंगर कराऊं। तो वो सीनियर सिटीजन वाली थी तो उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी, मेरी बेटियों को लेके मुझे लंगर वाली साइड ले गए। तो संगत जी मैंने वहां लंगर का सिस्टम देखा, वहां बूफे सिस्टम लगा हुआ था, चेयर्स लगी हुई थी और टेबल्स थी जहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे। तो आंटी ने मुझे बिठाया, अंकल ने मेरे को लंगर की थाली ला के दी। संगत जी जैसे ही मैंने वो पहला निवाला खाया, मुझे बहुत ही डिवाइन प्रसाद, मैंने ऐसा प्रसाद जिंदगी में नहीं खाया था। तो संगत जी वो बहुत हैवी प्रसाद भी था, तो मैंने उसमें से जो मेरे को मूंग दाल का हलवा था प्रसाद में, जो मेरा चाय वाला कप था, मैंने अपने प्रसाद में से वो चोरी करके मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड के लिए ले जाऊं, मेरे हस्बैंड भी टेस्ट करें, मेरे हस्बैंड तो मुझे छोड़ के चले गए हैं, तो ये भी मेरा मन है कि मेरे हस्बैंड इस प्रसाद को ग्रहण करें। तो आंटी ने मुझे देखा कि मैं वो जो पर्स में डाल रही हूँ उसमें चाय वाले कप में डाल के हलवा प्रसाद, तो आंटी ने बोला ये क्या कर रही है, मैंने कहा आंटी मैं अपने हस्बैंड को ये टेस्ट कराऊंगी, मेरे हस्बैंड भी इस प्रसाद को चखे, मेरा मन है। तो आंटी ने बोला कि बेटे ये आपकी ब्लेसिंग्स है, ये प्रसाद यहीं पे फिनिश करना है, अगर आपके अंकल के लिए आपको चाहिए मैं और आपको लेके दे दूंगी कड़ा प्रसाद। तो आंटी ने मुझे फिनिश करने के लिए बोला, तो मैंने पूरा प्रसाद खाया, तो आंटी ने मुझे थोड़ा सा प्रसाद लेके दिया, मुझे मूंग दाल का हलवा, और मैं अपने हस्बैंड के लिए पर्स में डाल दिया। तो ना मैंने आंटी से पूछा कि गुरु जी तो आए नहीं, ना ही आंटी ने कुछ बताया, हमने प्रसाद किया। आंटी ने बोला आ तेरे को आज्ञा दिलवाऊं, तो जैसे ही मुझे आज्ञा दिलवाने के लिए जो सब लंगर कर चुके थे, बहुत लंबी लाइन लग गई आज्ञा के लिए, सदा आंटी के भजन शुरू हो रहे थे, तो आंटी ने मेरे को दिखाया, बोला कुछ करना आंटी ने कि बेटे आज तू यहाँ क्यों आई है, अपनी मर्जी से नहीं आई, आज गुरु जी ने तेरा दिन डिसाइड किया था, आज तू गुरु जी की कृपा से यहाँ पर आई है, और इनसे कुछ मांगना मत, इनको पता है तेरे को क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि मन में सोचा कि मैं तो कुछ मांगने ही नहीं आई, मैं ऑलरेडी गुरु वाली हूँ, मैं तो आपके गुरु के दर्शन करने के लिए आई थी और वो भी गुरु जी गद्दी पर आए नहीं है, पता नहीं कहाँ जाम में फंस गए हैं या किसी के घर रुक गए हैं, गुरु जी तो मेरे को दिखे ही नहीं है, तो स्वरूप लगा हुआ है। संगत जी हमारे में जो कुटिया में स्वरूप लगाते हैं, जब वो चोला छोड़ जाते हैं तब उनका स्वरूप लगता है, तो मेरे एक बार दिमाग में भी आया, लगता है गुरु जी चोला छोड़ गए होंगे इसीलिए स्वरूप लगा हुआ है, बट मैंने अपने आप मन को रोका, मैंने कहा नहीं आंटी ने तो बोला था हमारे गुरु जी ने आना है, तुम्हें दर्शन करने आना है, तो गुरु जी है, उन्होंने वैसे ही स्वरूप लगा दिया होगा। तो संगत जी जब तक हमें कुछ पता नहीं चलता और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, संगत ने गुरु जी मेरे को अपने आप उस रास्ते तक गुरु जी लेकर गए हैं, गुरु जी ने मेरी हर सीढ़ी चढ़ाई है। तो गुरु जी मैंने आंटी से नहीं पूछा, तो संगत जी सदा आंटी मेरे को आंटी ने बोला कि देख इस प्रेस वाली को देख, तीन लड़कियों के बाद कैसे गुरु जी ने इसका बेटा ब्लेस किया है और ये बेटे को मत्था टिकाने आई बैठी आज दरबार में। तो आंटी मेरे को दुआ देती थी हमेशा, मेरी दो बेटियां थी, कि मैं तेरा मुंडा देखना है, मैंने कहा गुरु जी मैं सच में कह रही हूँ,
मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई, मैं तो आपके दर्शन के लिए आई थी। आंटी मेरे को बार बार कहती रहती है, बट मेरे यही बेटे हैं, यही मेरी बेटियां हैं, यही मेरे बेटे हैं, मुझे मैं आपसे सिर्फ आपके दीदार के लिए आई थी, मैं कुछ मांगने नहीं आई। तो संगत जी, आंटी ने जो भजन बोल रहे थे ऊपर स्टेज पे सदा आंटी, उन्होंने भजन स्टार्ट किया, हमने सुना है गुरु जी तुम्हारी महिमा अपरंपार। उन्होंने स्टेंजा बोला, आंख में आंसू दिल में तमन्ना। जैसे ही उन्होंने बोला तो मैं बहुत जोर से रोने लग गई। मेरे कहा गुरु जी मैं ऊपर से कितनी स्ट्रोंग बन जाऊं कि मेरे को बेटा नहीं चाहिए। पर हाँ, हर माँ को जिसकी बेटी नहीं होती उसको बेटे की कामना रहती है, और जिसके पास बेटा नहीं होता उसको बेटे की रहती है कि मेरे पास बेटा होना चाहिए। और संगत जी, अगर आपका गुरु जी दरबार सच्चा है तो देना, बट मैं आपसे मांगने नहीं आई। अगर इन बहनों के लिए लिखा है भाई किस्मत में तो देना, बट मैं तो आपके दर्शनों के लिए आई थी, ये मेरे मन में बात चल रही थी। मैंने कहा आंटी मेरी बार बार पीछे पड़ जाती है। संगत जी, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे वो शब्द सुन के। इतने में एक इतनी लंबी लेडीज, उसने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरा हाथ खोला, और हाथ में मेरे कुछ रख के मेरी मुट्ठी को बंद कर दिया। तो मैंने मुट्ठी को इतनी कस के बंद किया कि जैसे मुझे पूरी दुनिया मिल गई हो। और उस आंटी ने मेरे को पंजाबी में बोला, एना कुड़िया नु पा दई, ऐसे करके वो मेरे और आंटी के बीच में से निकल गई। तो मैंने आगे कुछ करना, आंटी को बोला देखना एक लेडी मेरे हाथ में क्या रख के गई है। संगत जी, मैं पीछे देखती तो वो लेडीज वहां पर नहीं थी जिसने मेरे हाथ में कुछ रखा था। और आंटी ने मेरी मुट्ठी खोली पुष्करना आंटी ने, तो उसमें गुरु जी के दो लॉकेट स्वरूप थे। तो आंटी बोली, वाह तेरे को तो गुरु जी ने पहली बार में ही ब्लेस कर दिया। तो मैं समझी नहीं, मत्था टेका, आज्ञा ली मैंने, वो घर गई। लंगर प्रसाद जो मेरे को आंटी ने दिया था, कड़ा प्रसाद मूंग दाल का हलवा, मैंने मेरे अपने हस्बैंड को दिया। मैंने कहा आप थोड़ा सा खा लो, उन्होंने थोड़ा सा खाया, बाकी लेबर को दे दिया। और मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया, देखो आज मुझे गुरु जी के दो लॉकेट मिले हैं। आंटी ने बोला कि बात तेरे को तो पहली बार में ही ब्लेस कर दिया। संगत जी, जो मेरे हस्बैंड बिल्डर थे, वो बिल्डर बिल्डिंग्स बना के सेल किया करते थे, हमारा यही काम था। जिस बिल्डिंग में मैं गई थी, मैं रेंट के घर में रहती थी, मेरा बड़ा मन करता था संगत जी कि मुझे गुरु जी एक झोपड़ी वाला घर दे देना, एक छोटी सी हट दे देना, पर मेरा अपना होना चाहिए, मैं रेंट पे नहीं रहना चाहती, ये मेरी विश थी। क्योंकि मम्मा का घर अपना था, बहुत बड़ा था, यहाँ मैरिज होके आई तो हम रेंट के घर में थे। तो संगत जी, जो मैं जिस घर में गई थी वो प्रसाद लेके, वो गुरु जी ने घर बिकने ही नहीं दिया। 2008 में मैं गई थी, 2009 में मैंने उस घर में गृह प्रवेश किया, और गृह प्रवेश करते ही मेरे को कंसीव हुआ। और 2 ढाई महीने हुए थे, मैंने अपनी मदर को भी नहीं बताया था। और मुझे काफी लेडीज प्रॉब्लम, मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए और मुझे नहीं पता था, दोनों बेटियों के टाइम ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। तो मैंने, किसी को हेजिटेशन होती थी, नए नए आए थे उस घर में, किसी को जानती भी नहीं थी किससे, क्योंकि पहले वाली लड़कियां बहुत शर्माती थी इस चीज को लेके, डॉक्टर से भी डिस्कस नहीं किया था। कंटिन्यू 4-5 दिन मेरी बुरी हालत होती रही। और संगत जी, मैंने उस दिन मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, मेरे को इसको अबॉर्ट कराना है, मैं इसको नहीं रखना चाहती। तो मेरा जिस दिन अबॉर्शन कराने को मन था, तो उसी दिन पुष्करना आंटी की कॉल आई मॉर्निंग में। तो उन्होंने बोला, जब मेरा वो घर बन गया था तो मैंने अपने ही गुरुओं का सत्संग कराया था, और मैंने गुरु जी के लॉकेट उल्टे करके रखे थे अपने मंदिर में कि मैं इनको अपना गुरु नहीं बनाऊंगी, मैं ऑलरेडी गुरु वाली हूँ। जब मैंने गुरु दीक्षा ली थी तो मैंने कहा था कि गुरु, मेरे गुरु गुरु जी ने ये कहा था कि गुरु एक होना चाहिए, गुरु नहीं बदलने चाहिए। तो मैंने उन गुरुओं को ऐसे ही रख दिया था, मैंने अपनी बेटियों को भी नहीं पहनाया था, जबकि उन्होंने बोला था ना कुड़िया नु पा दे, और मैंने नहीं पहनाए थे वो लॉकेट। और लेकिन वो गुरु जी की ही कृपा से मैं, मेरा दिन डिसाइड हुआ था, और गुरु जी ने मेरे को पहली बार लॉकेट स्वरूप दिए। वहां पर कोई भी नहीं बांट रहा था, सिर्फ उन्होंने मेरे को ही दिए। वहां पे तब इतने नहीं बटते थे ऐसे लॉकेट स्वरूप या स्वरूप जैसे आज सबको मिल रहे हैं। हर घर में भी सत्संग होते हैं तो लोग गुरु जी के स्वरूप बांट रहे होते हैं, तब वहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही थी गुरु जी के स्वरूप की या लॉकेट की। तो संगत जी, वो मैंने रखे और गुरु जी की कृपा से मेरे को ऐसे ब्लीडिंग होने लगी। तो आंटी का मॉर्निंग में ड्रीम वो आया, कॉल आया, कहती बेटे आपके घर में खुशी आने वाली है। मैंने कहा नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक हमें 3 महीने कंप्लीट नहीं हो जाते तो हम नहीं बताते। तो आंटी ने बोला कि नहीं बेटे आप मेरे से कुछ छुपो मत। तो मैंने कहा नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है। कहती मेरे को किसी पक्के बंदे ने बोला है। मैंने कहा किसने, पहले पक्के बंदे का नाम बताओ। तो आंटी ने बोला गुरुजी। फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी मेरे को ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, बट मेरा मेरा आज अबॉर्शन कराने को मन है, मैं इनके साथ जाऊंगी और आज इसको अबॉर्ट करा दूंगी। तो आंटी ने बोला कि बेटे ऐसे काम मत करना, आप डॉक्टर को दिखाओ, जैसे डॉक्टर बोलेगा आप वैसे करना, और देखना आपकी गुरुजी जरूर सुनेंगे।
आंटी ने मेरे को ये बोला, मैंने मेरे हस्बैंड को लिया और हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला। तो संगत जी, डॉक्टर ने बोला कि आपका बेबी बिल्कुल सेफ है, जो क्लॉट्स थे वो निकल रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, आप बेड रेस्ट करो, ये मेडिसिन खाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो संगत जी, जब मैंने वो लंगर प्रसाद खाया था और जब आंटी ने मेरे को विश दी थी कि मैंने तेरा मुंडा देखना है, तो संगत जी मैंने ये कहा था कि गुरु जी मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई, मुझे लंगर प्रसाद बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा गुरु जी अगर आपने इनकी किस्मत में भाई लिखा है तो मेरा मन है, जैसे आज मैंने आपका डिवाइन प्रसाद खाया है, मैं भी ऐसे लंगर मेरा बटे। मेरे मन में ही आया था, मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी थी, बस मेरे मन में वो प्रसाद खाते ही ये भावना आई थी कि अगर इन बहनों के भाई भाई का प्यार लिखा है तो मैं यहाँ लंगर ऐसे बटवाऊंगी, ये मेरे मन में आया था। तो संगत जी बस मेरे मन में ये आया, और आंटी ने बोला था कि जब तेरा बेटा हो जाएगा तो तेरे हस्बैंड इसको उठा के दोबारा एनुअल सत्संग पे इनको मत्था टिकाने आएंगे। तो मैंने आंटी को हाथ जोड़ दिया कि हाँ अगर कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने टेंशन में वो थर्ड बेबी रखा, मेरे को पूरी टेंशन रहती थी कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन आंटी का जो ड्रीम था, आंटी को जो गुरु जी ने बोला था, आंटी की गुरु जी की कृपा से मेरा बेटा हुआ उस घर में। तो गुरु जी ने मेरे को जो दो लोकेट स्वरूप एक साथ दिए थे, दो खुशियां मेरे को गुरु जी ने 2009 में 8 में गई थी, और दोनों खुशियां एक साथ गुरु जी ने मेरी झोली में डाल दी। तो जब गुरु जी हमें मिलते हैं तो वो हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। हम मेटलिस्ट चीजों जो हमें मिलती है, हम सोचते हैं कि हम बड़े खुश हैं, बट गुरु जी जैसे जैसे हमें जोड़ते चले जाते हैं। मैं ऑलरेडी गुरु वाली थी, तो गुरु वाले जो होते हैं वो समझते हैं सुख दुख, उनको दुख आते हैं तो उनको एक एक समान लगते हैं, वो दुख में भी नहीं घबराता क्योंकि गुरु उनको ऐसा स्ट्रोंग बना देता है। सुख और दुख हमारी जिंदगी के दो किनारे हैं। दुख आते हैं तभी हम भगवान के ज्यादा नजदीक जाते हैं, सुख में तो कोई भी याद नहीं करता भगवान, कोई भी समीप नहीं जाता उनके। तो बस ऐसे गुरु जी ने मेरी जर्नी अपने साथ जोड़ी और गुरु जी मुझे खींचते चले गए। मैंने फिर भी अपने बेटे के बेटा हुआ तो मैंने अपने फिर गुरुओं का सत्संग कराया। आंटी मुझे कहती थी तू अपने हमारे गुरु का सत्संग क्यों नहीं कराती, क्योंकि तब मैं इतना कनेक्ट नहीं हुई थी। ठीक है, मैं एनुअल सत्संग पे चली गई थी और उन्हीं की कृपा से हुआ, बट मेरे जो गुरु वाला जुनून था मेरा, वो अभी मन से मुझे लगता था कि पाप लगेगा मुझे मैं अपने गुरु को छोड़ दूंगी तो। कुछ मम्मी से भी डर लगता था, जिनसे नाम लिया हुआ था नामदान, उनसे भी डर लगता था क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था गुरु एक होना चाहिए, दर दर नहीं भटकना चाहिए। पर हमारे गुरु जी गुरु नहीं है, वो रब है, वो धीरे धीरे समझ आता है। गुरु हमारा दिल पढ़ रहा होता है। तो एक दिन मुझे गुरु जी ने डिवाइन दर्शन दिए थे, जो मेरे मन में रहता था कि मुझे पाप लगेगा, गुरु जी ने मुझे दिखाया कि बहुत बड़ा गोल्डन कलर का स्नेक है, बहुत बड़ा डिवाइन स्नेक था। उसके पीछे से इतनी तेज लाइट निकली जिसमें से आवाज आई कि मैं एक दिव्य लाइट हूँ, मैं दिव्य लाइट से आया हूँ, मैं अपने भक्तों के लिए इस धरती पर आया। तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने जब वो दर्शन दिए थे, सुबह उठ के मेरे मन में आया ही नहीं कि मेरे लिए वो एक ही लगने लगे। थोड़े दिनों बाद फिर मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए कि मैं डबल डेकर बस में जा रही हूँ और उस बस में सिर्फ लेडीज हैं, कोई जेंट्स नहीं है। तो मैं चारों तरफ देखती हूँ कि सारी लेडीज ही बैठी हुई है, तो मैंने कही बस ड्राइविंग देखती हूँ कौन सी लेडीज कर रही है, क्योंकि सारी लेडीज है, कोई जेंट्स नहीं बैठा हुआ। संगत जी, जब मैं बस ड्राइविंग पे देखती हूँ तो गुरु जी ने मुझे अपने ब्लैक जूती वाले चरण दिखाए, फिर उन्होंने पीला चोला स्टार्ट किया, पीला चोला दिखा, फिर गुरु जी ने मुझे अपनी बैग दिखाई, गुरु जी उस बस को ड्राइव कर रहे थे जिसमें सारी लेडीज बैठी हुई थी। मेरे को तब उस ड्रीम का मतलब समझ नहीं आया। संगत जी, गुरु जी ने मुझे पहले एनुअल सत्संग से जोड़ा, फिर मुझे मंथली सत्संग होते थे गुड़गांव में, कमांडर शर्मा अंकल ऑर्गेनाइज करते थे। और आज आंटी ने बोला कि आज के दिन डिसाइड किया गुरु जी ने, गुरु जी फर्स्ट टाइम 28 जनवरी को 2006 को गुरु जी गुरुग्राम में आए थे, गुड़गांव में आए थे, आज 28 जनवरी 2023 है, आज मैं वही सत्संग से आई हूँ। गुरु जी पहली बार गुड़गांव में पैर रखा था गुरु जी ने, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरु जी आज का दिन मुझे अपना सत्संग विदेश से कनेक्ट गुरु जी सुना रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ एक मालिक कर सकता है। संगत जी, जैसे हम एक तार लगाते हैं बिजली की, अगर बिजली का वहां से कट है हल्का सा तो मिक्सी या ग्राइंडर कुछ भी नहीं चलेगा, ऐसे हमारा गुरु जी के साथ एक तार का कनेक्शन है। हमें हमें इनके साथ सिर्फ तार जोड़नी है। गुरु जी ने कभी किसी को वहमों में नहीं डाला कि तुम अमृत वेला करो, तुमने ये वाला पाठ पढ़ना है। गुरु जी कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। इतनी सिंपल भक्ति है इनकी कि आपने शब्द सुनने हैं, जो आपको डिवाइन प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद,
जो भी आपको प्रसाद मिलता है वो ग्रहण करना है। उसके बाद जो आपके साथ सत्संग शेयर करता है, आपने उस सत्संग को ध्यान से सुनना है, क्योंकि गुरु जी कभी प्रवचन नहीं देते थे। गुरु जी के पास जो जाता था, गुरु जी कहते थे दस तेरे नाल की होया खड़ा होके दस, तो वो अपने साथ जो उसके साथ बीतती थी वो सुनाता था। सुनाने से वो किस संगत का कल्याण करना होता था, किस संगत की वो बीमारी क्योर करते थे। तो ये इतना सिंपल तरीका है गुरु जी का अपने साथ कनेक्ट करने का। गुरु जी ने कोई वहम नहीं डाले, कभी किसी को निबल उठाया बोला कि तू इस वेले उठा करो और पाठ पे लगे थे, जिस टाइम तुम मेरे को दिल से याद करो वही वेला अमृत वेला है। तो गुरु जी ने इतनी सिंपल भक्ति बनाई है। हमारे गुरु जी रसिक वैरागी हैं, सिर्फ कहते थे 2 घंटे जब तुम सत्संग में आते हो तो अपनी तार से उन शब्दों को सुनो, उन लंगर को ग्रहण करो, मन से ग्रहण करो। गुरु जी ने इतनी सिंपल भक्ति बनाई है। बस इस तरीके से गुरु जी ने सबको ही ब्लेस किया है, किसी को किसी रिचुअल्स में नहीं डाला, ना घंटी बजाई है, ना कोई पंडित बिठाया है। गुरु जी कहते थे कि अगों भी मैं, हुन भी मैं, ते आने वाले टाइम विच भी मैं। तो सिर्फ गुरु जी है, गुरु जी की गद्दी पर कोई नहीं है। बहुत वडभागीशाली संगत होती है जिसको गुरु जी मंदिर में भी बैठे होते हैं। कईयों के मन में होते हैं मैं कृष्ण भगवान जी को मानता हूँ, तो गुरु जी उसको उसी की छवि दिखा देते हैं। तो ऐसे गुरु जी बस उस जो ड्रीम में आया था बस का, तो गुरु जी बस मेरे को अपने सत्संग से जोड़ते चले गए। और संगत जी, जब मैं अपने बेटे का पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और मैंने अपने गुरुओं का सत्संग कराया था, मेरा बेटा सोफे पे बैठा हुआ था, मैं केक लेके आ रही थी, तो मेरा बेटा इतना सोफे से गिरा, उसका सर जोर से बिल्कुल नीचे गिरा और उसका सारा सर फट गया, पूरे मुंह पे ब्लड ब्लड आने लगा। तो एकदम से मुझे याद आया कि जैसे ही मेरा बेटा गिरा कि मैं माता पे भी हुआ हूँ, मैंने अपने गुरुओं की भी चौकी करा ली है, बट मैंने जो गुरु जी का प्रसाद खाया था तो मेरे को गुरु जी ने एकदम से याद दिलवाया कि तू मेरे मेरे पास, आंटी ने बोला था कि इनको मत्था टिकाने लेके आना, कोई बंटी उठा के आएगा। तो संगत जी मुझे सडन वही रियलाइज हुआ कि मैं इसको वहां लेके नहीं गई, और मैंने, वो मेरा मन था कि मैं लंगर बंटवाऊंगी वहां पे। तो मैंने आंटी को सुबह कॉल किया, मैंने कहा आंटी मेरे को अपने गुरु जी का मंदिर बताओ, आपकी गुरु जी का मंदिर कहाँ है। तो आंटी ने मुझे पूरा एड्रेस दिया कि भाटी माइल स्टोन, वहां पे गुरु जी का बड़ा आश्रम के नाम से जाना जाता है, वहां जाना और अपना गुरु जी के दर्शन करके आना। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी मेरे मन में ऐसे था कि मैंने वहां पे ये वाला लंगर बंटवाना है। तो आंटी ने बोला था कि वहां कुछ नहीं देते, वहां पर जाओ आप, गुरु जी का जो भी होगा, जो आपको सेवादार वहां बता देंगे कि क्या करना है। तो संगत जी हम आज जाते हैं, कल जाते हैं, हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं बनता था। संगत जी मैं पहले बता दूं, मुझे हमेशा गुरु जी ने ड्रीम में आके दर्शन दिए हैं, और गुरु जी के ड्रीम ड्रीम नहीं होते, वो साक्षात गुरु जी हमें दर्शन देते हैं और बुलाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे को एक दिन दिखाया कि मेरे हस्बैंड और मैं पहाड़ी वाले रास्ते से कहीं जा रहे हैं और हम सीधा मंदिर पहुंचे। मंदिर में मुझे और कुछ नहीं दिखा, लंगर स्थान दिखा जहां पर स्टील की प्लेटों में 4 जने आपस में लंगर शेयर कर रहे हैं, जिसमें लंगर की थाली में था 4 चपाती थी, चटनी प्रसाद था, लड्डू प्रसाद था, छोले प्रसाद था और सूखी सब्जी थी। तो संगत जी मुझे ये प्रसाद दिखा, तो मेरे मेरे हस्बैंड को बोला कि हम बहुत दिन हो गए हैं, मेरे मन में ऐसे आया था हमने प्रसाद देना है, तो हम वहां चलते हैं। तो हम संगत जी, उस दिन गुरु जी ने मुझे जिस रात को ये प्रसाद दिखाया, तो मेरे हस्बैंड और मैं गए। मुझे नहीं पता कौन सा दिन था, वो लंगर डे ही था, मुझे नहीं पता था कि मंगलवार या बुधवार बंद होता है, मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। बस मैंने आंटी से पूछा था, आंटी ने कहा कि चले जाना, तो ना ही मैंने दिन पूछा। उस दिन गुरु जी की मर्जी थी, गुरु जी ने ही रात को वो दिखाए, दर्शन दिए। तो हम संगत जी वहां जब बड़े मंदिर के लिए रास्ते में जा रहे थे, तो पहाड़ी वाला ही रास्ता था, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैं इस रास्ते पर कहीं कई बार आई हुई हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं, हम मैं तो तेरे को पहली बार यहाँ लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, ये मैंने रास्ता देखा हुआ है, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, कि मेरे को वो ड्रीम बिल्कुल भूल गया था। संगत जी, जब मैंने बड़े मंदिर में पैर रखा, संगत जी मेरे आंसू नहीं रुके, मुझे इतना पीसफुल लगा, मेरा मन करे मैं वहीं बैठी रहूं, मेरा वहां से हिलने को ही नहीं मन करे। मेरे हस्बैंड ने मुझे लंगर वाली साइड लेकर, जहां शब्द वाणी चल रही थी, शब्द में बैठे थे, मुझे गुरु जी एक व्हाइट नगरी में लेकर गए थे। मैं मंदिर में नहीं थी, मुझे नहीं पता मुझे गुरु जी कौन सी दुनिया में लेकर गए थे। वो बहुत ही सुंदर नजारा था, मुझे लंगर प्रसाद वाले अंकल ने हिलाया, चलो लंगर के लिए संगत चलो। तो मेरे आंसू आ रहे थे उस टाइम जब मेरे को गुरु जी वो नजारा दिखा रहे थे। संगत जी, मैं जब लंगर वाली साइड गई तो लंगर में सेम वही चने प्रसाद, चटनी प्रसाद, लड्डू प्रसाद और 4 चपाती, और आपस में 4 जने मिलकर प्रसाद खा रहे हैं। तो संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, कि मेरे को फिर याद आया कि गुरु जी ने मुझे अभी 3 दिन पहले ये ड्रीम में दिखाया, पहाड़ी वाला रास्ता और ये लंगर प्रसाद।
तो गुरु जी ने हमारा दिन डिसाइड कर रखा था कि किस दिन मुझे कहाँ पे ब्लेस करना है और अपने मंदिर में कब बुलाना है। तो गुरु जी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि हमने गुरु को नहीं देखा। गुरु जी अपनी संगत को खुद चूज करते हैं। गुरु जी कहते हैं तुम मुझे नहीं ढूंढते, मैं अपनी संगत को अपने पास अपने टाइम आने पर अपने साथ जोड़ता हूँ और बुलाता हूँ। तो पहली बार में ही गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। फिर तो बस गुरु जी ने मुझे पीछे मुड़ के देखने ही नहीं दिया। मुझे नहीं पता था, सत्संग सुनती थी बहुत रोती थी। जब भी कमांडर शर्मा अंकल सत्संग सुनाते थे मेरा मन ही नहीं करता था वो रुके। मेरा मन करता था बस वो गुरु जी का गुणगान करते जाएं और मैं सुनती जाऊं। 2 घंटे कैसे बीत जाते थे, मन नहीं करता था कि घर जाऊं। ऐसा नहीं था कि मुझे किसी चीज की तकलीफ थी, बस मेरी मन को बड़ा अच्छा लगता था, बहुत शांति मिलती थी, बहुत सुकून मिलता था उनके शब्द वाणी सुन के। तो संगत जी जब कोई सत्संग शेयर करता था मेरे को, सत्संग शेयर क्या करेंगे आज गुरु जी का गुणगान, मेरे को उसकी भूख बहुत लगती थी। तो संगत जी बस वो एक टाइम की गुरु जी ने लिमिट बांध रखी है, 2 घंटे बाद तो हर किसी को आज्ञा लेनी होती थी और घर जाना होता था। मंथली सत्संग होता था गुड़गांव में, हर महीने उस महीने की वेट रहती थी कि कब गुरु जी का सत्संग होएगा, फिर हम जाएंगे गुरु जी का गुणगान सुनेंगे। ऐसे गुरु जी अपने साथ जोड़ते चले गए। फिर संगत जी गुरु जी का जब टाइम आया, गुरु जी ने मेरे को वीकली सत्संग पुष्करना आंटी की बेटे के घर में, शिव पुष्करना अंकल रेणु पुष्करना आंटी के घर में हर बुधवार गुरु जी उनके घर आया करते थे। तो गुरु जी ने मुझे टाइम आने पे उनके घर से जोड़ा। तो इतने में मेरा बेटा स्कूल जाता था, बच्चों की भी ड्यूटीज होती थी। संगत जी जब मेरा गुरु जी ने बेटा ब्लेस किया, हम सोचते हैं कि हमारी वजह से हमने प्लानिंग किया तभी हमारी ये फैमिली बनी है, बट ये गुरु जी की कृपा से ही हुआ था। जब स्कूल में बच्चों को अल्फाबेट्स का सिखाए जाते हैं कि सी ए टी कैट, BAT बैट, ऐसे अल्फाबेट्स का जोड़ सिखाया जाता है, तो मैंने बच्चों का ऊपर वाले रूम में, बच्चों के रूम में एक ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था। तो संगत जी जब मैं नीचे से काम करके ऊपर गई तो मेरा ब्लैक बोर्ड पे बेटे ने गुरु जी लिखा हुआ था, गुरु और जे लिखा हुआ था, जे के आगे उसको आई नहीं लिखना आ रहा था, मम्मा मम्मा गुरु जी। तो संगत जी देखो किसी ने उसको नहीं सिखाया कि गुरु का मीनिंग क्या है। मैं सत्संग में जाती थी बट मेरे बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर गुरु लिखा हुआ था और जे के बाद उसको समझ नहीं आ रहा था आई लगाना या ई लगाना, पूछ रहा था मम्मा आगे क्या आएगा। तो ये गुरु जी के ही बच्चे हैं, हम सोचते हैं हमने ही अपना परिवार बनाया, बट गुरु जी की दात है। जो भी बच्चे हैं आज, इतने छोटे छोटे बच्चे भी जो गुरु जी से इतने कनेक्ट हैं, मन खुश हो जाता है कि गुरु जी ने सबको अपने साथ जोड़ रखा है। गुरु जी के परिवार, गुरु जी के दरबार में कोई एक परिवार का सदस्य जाता है तो गुरु जी कहते थे कि मेरी मेहर सब पर धीरे धीरे, मैं सबको ब्लेस करता हूँ, उनके नेबर को भी, उनके फ्रेंड सर्कल को भी। गुरु जी ने जिसको जोड़ना है गुरु जी जोड़ते चले जाते हैं। बस गुरु जी कहते थे कि मेरे पास चल के आओ, जो मेरे पास चल के आता है मैं उसके पास 100 कदम बढ़ाता हूँ। तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। जब मेरे को पुष्करना आंटी के घर गई थी मैं फर्स्ट टाइम उनके घर सत्संग पे, वहां पे भी उनके घर में बहुत सिंपल दरबार, बहुत ही पीसफुल सत्संग होता था उनके घर में। संगत जी मैं शब्द सुनती थी, आंसू नहीं रुकते थे उनके घर में भी, पता नहीं क्यों आते थे मुझे नहीं पता, बहुत रोती थी। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे दांत में बहुत ज्यादा पेन होता था, बहुत ज्यादा मेरी जाड़ में दर्द रहता था, गर्म सर्द लगता था। और संगत जी मैं सत्संग भाग जाती थी, डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, मुझे सत्संग की भूख लगती थी कि सत्संग जाना है। बट गुरु जी ने कैसे किसी का कष्ट निकालना होता है वो गुरु जी को पता होता है। संगत जी मैं उनके घर एक दिन सत्संग पे गई, मैंने ना पूरा लंगर प्रसाद खाया। उनके घर में जो भी गुरु जी को जल प्रसाद लगाते हैं, हम स्टार्टिंग में जैसे गुरु जी आते हैं हम गुरु जी को उसका भोग लगाते हैं जल प्रसाद का, तो संगत जी उनके घर में हमेशा जब लंगर प्रसाद कर लेते थे तो एक आंटी जो सेवादारनी आंटी थी वो सबसे बाहर जाने से पहले सबको गुरु जी का जल प्रसाद एक एक चम्मच से सबको डिस्ट्रीब्यूट करती थी और सब पीते थे, फिर घर चले जाते थे सत्संग सुनने के बाद। तो संगत जी एक दिन ऐसा हुआ, जैसे ही मैंने वो एक चम्मच जल प्रसाद पिया, और हर रोज ही पीते थे, और वो जैसे ही जल प्रसाद पिया मुझे इतनी रोजेस की खुशबू आई, मेरा पूरा गला ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर पूरे रोजेस चले गए हैं और मेरा गला बहुत ठंडा हो गया। तो मैंने कहा कि आज लगता है आंटी ने ना इस गुरु जी को ना रूह अफ़ज़ा वाला जल प्रसाद भोग के लिए रखा होगा। तो मैंने जब साथ वाली को दे रही थी तब देखा कि वो तो बिल्कुल व्हाइट पानी था, तो मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा लगता है आज आंटी ने रूह अफ़ज़ा मिलाया होगा। मैंने कहा मैं आंटी से पूछती हूँ, आज आंटी आपने रूह अफ़ज़ा मिलाया था इसके अंदर? फिर मैं इतने मेरे मन ने रोक लिया कि आंटी बोलेंगी कि यहाँ पे लंगर प्रसाद करने आई है, गुरु जी के प्रसाद की इंक्वायरियां करने आई है। तो मैंने कुछ नहीं पूछा और मैं चली गई। संगत जी मेरा बहुत मन खुश था कि मैंने ऐसा प्रसाद कभी नहीं पिया था अपनी लाइफ में।
तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, बोला घर जाके, मैंने कहा आज जो गुरु जी का मुझे जल प्रसाद मिला उसमें से खुशबू नहीं आई, लेकिन जो गुरु जी के भोग वाला एक जल प्रसाद मैंने आज चम्मच पिया उसमें से बहुत खुशबू आई। तो संगत जी, वो गुरु जी हमारा क्या मेहर कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता। तो मैं काफी परेशान थी उस दांत से। संगत जी, मैं रात को जब बेड पे सोई पड़ी थी तो मैं सिरांदी वाली साइड सोती हूँ और मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और हमारे बीच में सोता है। तो मेरे को नहीं पता क्या टाइम था, बहुत रात हो चुकी थी। जिस साइड मेरे पेन था मुझे इतनी जोर से मुक्का लगा जैसे मुझे किसी ने मारा, और मैंने अपना हाथ पकड़ लिया वहां पे। मैंने कहा मुझे मारा किसने है। संगत जी, जब मैं लाइट ऑन कर दी तो मेरे बेटा, मुझे लगा मेरे बेटे ने की टांग लगी होगी। मेरा बेटा मेरे हस्बैंड के ऊपर टांग रख के सोया हुआ था, दोनों का मुंह उधर था और काफी गैप था, और मैं तो मेरी जो इस साइड सिरांदी थी। मैंने ऐसे ही हाथ रख के वॉश बेसिन पे गई। संगत जी, मैंने वो कुल्ला किया जो मेरी जाड़ दर्द कर रही थी, वो वॉश बेसिन में गिर गई। ना ब्लड आया, ना पस्साई, कुछ भी नहीं आया। और मुझे लगा कि मेरे ये काम तो मेरे गुरु जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, ये गुरु जी की ही मेहरबानी थी। मैंने वो जो मेरी जाड़ निकली थी मैंने उठा के वो गुलाब के पौधे में डाल दी कि मैं इसको फेंकूंगी नहीं, मेरे गुरु जी ने मेरी सर्जरी की है। संगत जी, जब मैं अगली बार फिर बुधवार उनके सत्संग में जाती हूँ तो एक आंटी, गुरु जी कैसे हमें जवाब देते हैं। मैं तब सत्संग शेयर नहीं करती थी, सुना करती थी। कभी मेरे साथ भी ऐसे होगा, ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। आंटी ने एक सत्संग सुनाया कि आंटी मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। मैं एक सत्संग में गई थी जो मैंने जल प्रसाद पिया था, उसमें से मुझे केवड़े की खुशबू आई थी और मेरी किडनी में जो प्रॉब्लम थी गुरु जी ने वो खुशबू वाला जल प्रसाद पिला के मेहर कर दी। मेरी किडनी का ऑपरेशन ही नहीं हुआ। फिर मुझे गुरु जी ने आंसर दिया कि जो तेरा रात को दांत वो था वो मैंने ही तेरा काम किया है। तो फिर मैंने आंटी को सुनाया, मैंने कहा आंटी मेरे साथ भी ऐसे हुआ और मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपने रूह अफ़ज़ा पिलाया था उस प्रसाद में। आंटी बोली नहीं बेटे, हम कभी रूह अफ़ज़ा या नारियल प्रसाद नहीं रखते हैं, हम सीधा नॉर्मल आरओ वाला पानी गुरु जी को जल भोग लगाते हैं। ये गुरु जी की अपनी कृपा होती है किसको कैसे किस कष्ट से निकालना है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि जब गुरु जी हमारे साथ कोई मेहर करते हैं तो हमारा विश्वास और भी जुड़ता चला जाता है। बट मेरा विश्वास, जब मैंने पहला कदम गुरु जी के मंदिर में रखा था, मेरा विश्वास गुरु जी से उसी दिन टूट गया था। गुरु जी मुझे जो नगरी दिखाई थी और जो मुझे गुरु जी ने लंगर प्रसाद दिखाया था, मेरा कनेक्शन तो गुरु जी से उसी दिन से ही जुड़ गया था। जब भी हम मंदिर जाते थे हमारा कोई दिन डिसाइड नहीं था कि हमने जाना कब है, कभी थर्सडे कभी फ्राइडे। जैसे हस्बैंड ऑफिस से आते थे कहते थे आज मंदिर चलें, तो हम मंदिर चल पड़ते थे। कोई दिन फिक्स नहीं था। मैं सत्संग सुना करती थी। संगत जी, हम नराते पे भंडारा कराते थे तो मेरे को एक दिन गुरु जी ने दिखाया जो मेरी नेबर है उनके घर में माता की चौकी हो रही है, और गुरु जी मेरी और मेरी बेटियों की दोनों की बाजू पकड़कर उनके घर लेकर जाते हैं। सबकी प्लेट में सामक का लड्डू और पेठा प्रसाद है, बट गुरु जी मेरे को और मेरी बेटियों को समोसा और लड्डू प्रसाद देते हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि सबको तो माता की चौकी वाला प्रसाद मिला है, मेरे को समोसा और लड्डू क्यों? बस मैं, मुझे ये दिखाया। संगत जी, मैं सुबह एक शॉप पे गई, वहां गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने कहा अंकल ये आप भी गुरु जी को मानते हो? कहते हाँ जी। तो मैंने कहा अंकल मेरे को भी गुरु जी का स्वरूप, मेरे को अपने आप ऐसे, मैंने अपना सत्संग सुनाया कि कैसे मेरे को गुरु जी ने दो लोकेट स्वरूप दिए थे और मैं इनको नहीं मानती थी। मैं अपना सारा सत्संग सुनाने लग गई, गुरु जी ने मेरे को ड्रीम में आके स्नेक दर्शन दिए, मैं एक डिवाइन लाइट हूँ। फिर अंकल ने बोला कि हाँ गुरु जी एक दिव्या लाइट है। तो फिर अंकल ने मेरे को बोला कि आप कौन से दिन मंदिर जाते हो? मैं कहा अंकल हमारा कोई डे फिक्स नहीं है, कभी सैटरडे कभी फ्राइडे कभी संडे ऐसे चले जाते हैं। कहते हैं आपको पता है सोमवार को भी मंदिर खुला रहता है सुबह 8 बजे से लेके 8 बजे तक। मैंने कहा नहीं हम कभी मंडे को मंदिर नहीं गए। तो कहते हैं कि कभी अगर गुरु जी का बुलावा हुआ तो आप मंडे को जाना। तो उस दिन सैटरडे था, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि हम लंगर डे वाले दिन जाते हैं। कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना परेशानी, वो मुझे व्याख्यान नहीं सुनने देते थे जो शब्द वाणी चलती थी, तो सेवादार हमें आगे भेज देते कि आप आगे जाओ बच्चों के साथ हो। तो मैंने कहा कि मेरा ना बैठने को मन करता है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला हम बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे और हम सुबह सुबह गुरु जी का पहले हम गुरु जी के दर्शन करने जाया करेंगे। तो संगत जी, जब मैं मंडे को, मेरे हस्बैंड कहते तू जाना मेरे को मत बोला कर, मेरे को काम होता है। संगत जी, मैं अकेली गुड़गांव से दिल्ली अपनी एक्टिवा पे जाती थी, गुरु जी मुझे खींचते थे। और संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर में सोमवार वाले दिन गई तो मुझे सेम पत्तन के डोने में जो गुरु जी ने नराते पे प्रसाद दिया था, सेम लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद गुरु जी ने मुझे मंदिर में दिखाया, खाने को दिया और ब्लेस किया। तो संगत जी, जब मैं सत्संग, गुरु जी मेरा मन करता था मैं हर रोज एवरी मंडे बच्चों को स्कूल भेजती और अकेली ऐसे गुरु जी मुझे खींचते चले जाते थे। तो
मेरे हस्बैंड हनुमान जी के डिवोटी थे, मैंने इनको कभी नहीं कहा था कि आप भी गुरु जी के पास चला करो, क्योंकि हर किसी की अपनी आस्था होती है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप भी इधर मानो। अगर मेरे को कोई कहे कि आप इसको मानो तो मैं भी नहीं मानूंगी, क्योंकि हर किसी का अपना अपना कनेक्शन है, जिसको है तो सारी एक ही शक्तियां, बट हम जिस रूह से जुड़े होते हैं हमारा अपना कनेक्शन होता है, बट टाइम आने पे गुरु जी सबको अपने साथ जोड़ लेते हैं। ऐसे करते करते गुरु जी ने कब मेरे हस्बैंड को भी अपने पास बुलाया, तो वो कहते थे तो गुजरों वाली साइड से इलाके से ही अकेली जाते थे, वो कोई पकड़ लेगा मार लेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे मैं अकेली नहीं जाती, मेरे सामने कोई शक्ति होती है जो लेकर जाती है, और गुरु जी मुझे खींचते थे, मैं चली जाती थी मंदिर। कैसे मेरे हस्बैंड जाने लगे, और मैं शुक्र गुजार करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे को मेरे हस्बैंड का जरिया बनाया, वो लेके जाने लगे जाना, और गुरु जी के पास जो जाता जो है। लेकिन गुरु जी का हम जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, बट गुरु जी की कृपा के बिना उनके साथ कौन, गुरु जी जानते कि वो मेरे साथ कनेक्ट कब होगा। तो मेरे अंकल जो है वो स्टोन पहना करते थे हाथों में, तो मंगलवार के दिन उन्होंने पहने थे, और मंगलवार के दिन ही एक डीएलएफ फेस वन में गुड़गांव में सत्संग होता था एवरी ट्यूसडे, मंथ मंथ का फर्स्ट ट्यूसडे को सत्संग होता था। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को मना नहीं करती थी कि आप स्टोन मत पहनो, मैं सत्संग सुनती थी, गुरुजी मना करते थे, बट गुरुजी ने एक दिन मेरे को ड्रीम में दिखाया कि एक ब्लैक रूम में से मेरे हस्बैंड और मेरा ब्रदर निकल के एक रोशनी वाले कमरे में गए, और वो गाड़ी में बैठ के रोशनी वाली साइड चले गए, और मैंने बोला कि मेरे को भी साथ लेते जाओ, बट मेरे हस्बैंड और मेरा ब्रदर चले गए। संगत जी मुझे उस ड्रीम का बिल्कुल मतलब समझ नहीं आया, और जब मैं उस ब्लैक रूम से निकली तो मैं बिल्कुल ही ऐसे, मेरे को जैसे करंट लगता है उस ब्लैक रूम से, ऐसे से वाइब्रेशन हुई और मैं फिर रोशनी वाले रूम में गई। मेरे को इस ड्रीम का बिल्कुल मतलब समझ नहीं आया। मंगलवार को हम जब एक सत्संग में जाते हैं तो वहां पर हमने लंगर प्रसाद किया, फिर जब हम आज्ञा लेते हैं तो जैसे ही मेरे हस्बैंड और मैं आज्ञा लेने लगे तो वहां एक अंकल बैठे थे, उन अंकल ने मेरे हस्बैंड को बोला कि मत्था गुरुआ नु टेक दो तो हत्था विच नग पाई फिर दो। तो मेरे अंकल ने कुछ भी नहीं सुना, उनकी बात सुनते ही कुछ भी नहीं सोचा, जब उन्होंने नग स्टोन ग्रहण किए थे तो बड़ी पूजा से पाठ से मंत्र से तब जाके ग्रहण किए थे, उन्होंने 1 सेकंड लगाया, अपने दोनों स्टोन उतार के गुरु जी के चरणों में रख दिए। तब भी मुझे उस ड्रीम का मतलब समझ नहीं आया था कि इसका ये मतलब है। संगत जी हर हर साल 25 दिसंबर को एनुअल सत्संग होता है गुरु जी का, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को सत्संग था गुड़गांव में, तो वहां पर एक सरदार जी आए हुए थे, तो उन्होंने सरदार जी ने अपना सत्संग सुनाया था कि मेरा बेटा नहीं होता था तो मैं काफी पंडितों के पास जाता था, पंडित ने मेरे बहुत सारे स्टोन पहनाए हुए थे, तो मैं बड़ा दुखी था, मेरा पैसा भी खर्च होता था बट मुझे औलाद नहीं मिलती थी, तो मेरे किसी ने बोला तू गुरु जी के पास चल। तो उसका सत्संग सुनने के बाद कहते मैंने सारे स्टोन उतार दिए, और मैं मेरा गुरु जी ने मेरे को बेटा भी ब्लेस किया और मेरे को मेरा कारोबार भी ऊपर किया। तो संगत जी मेरा भाई दूर बैठा हुआ था, वो उसने स्टोन उतारे और वो मेरे पास आया, कहता है दीदी जीजा जी ने भी स्टोन उतार रखे हैं, ये ले मेरे स्टोन भी ले ले, कहाँ रखे हैं उन्होंने। तो संगत जी तब मुझे वो सपना याद आया कि गुरु जी ने एक ब्लैक रूम से निकाल के मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर को रोशनी वाले रूम में ले गए, तो गुरु जी ने उस दिन मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर को उसी दिन से कनेक्ट कर लिया था। मेरे हस्बैंड ने तो बहुत पहले वो स्टोन उतार दिए थे, लेकिन मेरे ब्रदर ने 25 दिसंबर को एनुअल सत्संग पे वो स्टोन उतार के मेरे को दिए थे, तब मुझे वो ड्रीम का मतलब समझ आया था कि इसका मतलब ये है। तो संगत जी मेरे पास वो दो छोटे छोटे लॉकेट तो थे, लेकिन मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था, मेरी किसी संगत से बात नहीं होती थी कि कहाँ से मिलते हैं, मेरी किसी संगत से कोई बात नहीं होती थी, हम सत्संग में जाते थे सत्संग से सीधा घर आ जाते थे। तो एक दिन किसी के घर में सत्संग हो रहा था, तो वहां पर एक अंकल ने सत्संग सुनाया कि मेरी डेथ हो गई थी और मेरे को मैं ऊपर चला गया था, और जब मेरे को नीचे बांधने की तैयारी कर रहे थे तो मैं जब भी किसी का सत्संग सुनती थी तो मैं बहुत रोती थी, मेरे जैसे ही मेरे को बांधने की तैयारी कर रहे थे तो गुरुजी ने मेरे को धक्का दिया कि जा अजय तेरा टाइम नहीं आया। कहते जब मैं नीचे आया तो मेरे को बांधने की तैयारी हो रही थी, मेरा पैर हिला, और उन्होंने बोला कि मेरे मम्मी पापा बहुत मानते थे लेकिन मेरा विश्वास गुरु जी के ऊपर नहीं था। तो कहते जब मैं वापिस दुनिया में आया तो मुझे इतना याद है गुरु जी ने मेरे को धक्का दिया था कि तू नीचे जा अभी, तेरा अभी टाइम नहीं आया। कहते कि जब मैं, मेरे को सारे हैरान हो गए कि ये जिंदा हो गया, तो मैं गुरु जी को तब से फूल चढ़ाता हूँ,
संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना, मैंने कहा गुरु जी मेरे को भी आपका स्वरूप कहाँ से मिलेगा, मैं भी आपको रोज फूल चढ़ाया करूंगी। जैसे मैं उसका सत्संग सुन रही थी, मैं बहुत रो रही थी, तो मेरे को एक पीछे वाली आंटी ने थपथपाया, तो मैंने उनके पीछे मुड़ के देखा तो उनके कैबिनेट में बहुत सारे गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे। तो मैंने कहा गुरु जी कहाँ से मिलते हैं आपके स्वरूप। संगत जी उसी घर से जब मैं सीढ़ी उतर के लंगर करके उतरने लगे, तो जिनके घर में सत्संग था वो एक छोटा सा स्वरूप हमें जाती हुई संगत को दे रहे थे। तो मुझे पहली बार उनके घर से गुरु जी का स्वरूप मिला था, और मैंने वो अंदर अपने शोकेश में जाकर गुरु जी का स्वरूप लगा दिया। जहाँ पे हम सबकी फोटो पड़ी थी वहां पे एक फोटो हटाई, बाकी साइड सारे साइड में शोकेश में हमारी फोटो थी फैमिली की, मैंने बीच में गुरु जी को बिठा दिया, फूलों वाला भैया बांध लिया, रोज गुरु जी को फूल चढ़ाती थी। मेरे को पूजा पाठ कुछ नहीं करना आता, बट गुरु जी को फूलों से प्यार था, चढ़ावा पसंद नहीं था, इसलिए मैंने फूलों वाले भैया को बांध लिया और मैं हर रोज गुरु जी को सुबह नहा के फूल चढ़ाया करती थी। संगत जी एक दिन मुझे ऐसे लगने लगा कि मैंने अपने साथ गुरु जी की फोटो रख रखी है, इनको मेरे को मंदिर में स्थान देना चाहिए, मंदिर में इनको विराजमान करना चाहिए। तो संगत जी जब मैंने गुरु जी को उठाकर मैं बड़े अपने जहाँ मेरा मंदिर बना हुआ था, जहाँ मेरे गुरु महाराज जी का स्वरूप था, मेरे हस्बैंड हनुमान जी को मानते थे, हनुमान जी की मूर्तियां थी, मैंने अपने गुरु महाराज जी को बोला थोड़ा सा हट जाओ, आप गुरु जी यहाँ पर विराजेंगे। तो संगत जी मैंने उस दिन गुरु जी को मंदिर में स्थान दिया था, तब से मैं मंदिर में जोत जलाने लगी और गुरु जी को फूल अर्पण करने लगी। तो संगत जी जिस दिन मैंने वो मंदिर में विराजमान किए, तो मेरे हस्बैंड को सुबह सेम उसी ड्रेस में, कहते मुझे ऐसे लगा कि मेरे को यहाँ से शोल्डर से कोई पकड़ के यहाँ से फिर वो मंदिर वाली जगह गया, और उन्होंने वो वही वाला चोला पहना हुआ है ग्रे कलर का, कहते मैंने साक्षात उनके दर्शन किए और वो हमारे मंदिर में अंदर गए हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को तो यही दिखा, और मेरे को गुरु जी ने उसी दिन दिखाया कि मेरे हस्बैंड की स्कॉर्पियो और एक व्हाइट कलर की वैन की टक्कर हुई है, जिसमें टक्कर इतनी जोर से होती है जिसमें गुरु जी गिर जाते हैं। संगत जी मुझे ये गुरु जी ने रात को दिखाए, दर्शन दिए, और सुबह मेरे हस्बैंड उस दिन काम से वापस आ रहे थे, तो स्कॉर्पियो के आगे एक सेफ्टी वॉल होता है, स्टील का बहुत बड़ा बोनट होता है, वो सेफ्टी वॉल के लिए होता है। तो मेरे हस्बैंड के कपड़े बिल्कुल गीले और वो टूटा हुआ, और वो अंदर उठा के आए, तो मैंने कहा आपको क्या हुआ, कहते मेरी और मेरी गाड़ी और एक व्हाइट कलर की वैन की जोर से टक्कर हुई थी, ना वैन वाले को कुछ हुआ ना मुझे कुछ हुआ, बट ये जरूर टूट गया। तो मेरे को एकदम से ड्रीम याद आया कि गुरु जी गिर जाते हैं उसमें। तो मैंने कहा हाँ मेरे को तो रात को ये दिखाया था गुरु जी ने कि आपकी और एक गाड़ी की टक्कर हुई है व्हाइट कलर की वैन की, और जिसमें गुरु जी गिरते हैं। संगत जी जब मैं सुबह उठती हूँ, जैसे फूलों वाला का नेम था आता था, मैं गुरु जी को फूल अर्पण करती थी। संगत जी जैसे ही मैंने वो मंदिर खोला, मेरा जो वो स्वरूप था गुरु जी का जिसको मैं फूल अर्पण किया करती थी, वो नीचे गिरा हुआ था और टूटा हुआ था। तो गुरु जी ने मेरे को दिखा दिया कि वो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं अपने भक्तों का। तो गुरु जी ऐसे पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी अपनी जिंदगी में से जिंदगी को काट के अपने भक्तों को कुछ नहीं होने देते, वो हमेशा अपने बच्चों को फूलों की तरह रखते हैं। जैसे जैसे ये ऐसे सत्संग करते रहते हैं, हमारा और विश्वास गुरु जी के साथ कनेक्ट होता जाता है। गुरु जी से कुछ नहीं मांगना, गुरु जी के शब्द भी है कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे कीजिए अरदास, हमें सिर्फ इनके सत्संग में जाना है, इनको कुछ भी नहीं बताना। ये हमारी हर जर्नी, गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ होना चाहिए, बस डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कोई भी चोलियां नहीं है गुरु जी और हमारे बीच में, कोई हमें गुरु से नहीं मिला सकता। गुरु जी का दरबार जरूर दिखा सकता है, गुरु जी के दरबार पे लेके जरूर जा सकता है, बट हर किसी की डायरेक्ट जर्नी है, हर किसी का डायरेक्ट कनेक्शन है। गुरु जी ने जिसको बोलना है तो अमृत वेला कर उसको बोलेंगे, जिसको कहना शिव पुरानी, आप कोई भेद चाल नहीं है, किसी को देख के ऐसे नहीं कहना कि वो ऐसे चोले पहनाता है तो मैं भी ऐसे पहनू, आप सिंपल सा दरबार लगाओ, गुरु जी के शब्द लगाओ। गुरु जी कहते सिर्फ मेरे साथ मन का कनेक्शन बनाओ, और इनको कुछ भी पसंद नहीं है, गुरु जी बहुत सिंपल और सादे हैं। तो ऐसे गुरु जी ने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। ऐसे गुरु जी ने एक बार मेरे बड़े भैया को डेंगू हो गया था, तो मेरे घर में गुरु जी का येलो स्वरूप आया था। तो संगत जी मैंने घर में गुरु जी को विराजमान किया, मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरु जी का सत्संग कराऊं, बट मैं उनका सत्संग नहीं करा पाई, मेरा घर छोटा था। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि जब कोई बड़ा घर होगा, हमारा यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है, तो जैसे हम जाते थे सत्संग में बहुत सारी संगत आती थी, तो हमारा भी मन करता था संगत आए, बट संगत जी आप चार जने बैठ के या एक जना बैठ के भी सत्संग कर लो, गुरु जी को याद कर लो, तो गुरु जी वो सत्संग माना जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे घर में ज्यादा संगत आए तभी हमें ब्लेस करेंगे,
ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गुरु जी कहते कि तुम्हारा कनेक्शन बस मेरे साथ बैठ के होना चाहिए। गुरु जी ने कभी किसी को किसी रिसेप्शन में नहीं डाला, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। तो गुरु जी को फूल पसंद है तो मैं फूल लेने चली गई। तो जब मैं शाम को घर वापस आई तो मैं उस दिन गुरु जी का स्वरूप मेरे को फ्रेम करके मिलना था, तो मेरे को फोटो वाले ने मना कर दिया कि अभी भी फ्रेम नहीं हुआ। संगत जी मैं बहुत सैड हो गई कि मेरे को बड़ी गुरु जी की एक्साइटमेंट थी कि गुरु जी का बड़ा स्वरूप मेरे घर में आएगा। बट संगत जी, गुरु जी का चाहे घर में लॉकेट स्वरूप है, चाहे छोटा स्वरूप है, चाहे वो कैसे भी है, गुरु जी के स्वरूप का होना ही हमारे घर में इसका मतलब गुरु जी विराजमान है। हमें ये जरूरी नहीं होता कि बड़ा स्वरूप होना चाहिए, बट वो मन में इच्छा भी गुरु जी डालते हैं। तो मेरे घर में जब बड़ा स्वरूप आना था, मैं बहुत एक्साइट थी। संगत जी, जब अगले दिन मुझे जब स्वरूप लेने गई, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आज मैं सत्संग कराऊंगी। कहते सत्संग नहीं कराएंगे, तो गुरु जी की खुशी में ना, तो मिठाई के डिब्बे ले आओ और सारे पड़ोसियों को बांट दे कि आज हमारे गुरु जी घर आएंगे, मिठाई खिला दे। तो संगत जी, मैं ना बड़ी एक्साइट थी। शाम को जब मैं घर वापस मिठाई के डब्बे लेके आती हूँ, तो मेरे हस्बैंड बड़े उदास बैठे थे। कहते हैं तू घर बैठ, अभी अभी फोन आया हॉस्पिटल से कि बड़े भैया की तबीयत ठीक नहीं है, मैं वहां जा रहा हूँ, कहीं मत जाना। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल चले गए, मैंने स्वरूप लेने जाना था, मिठाई के डब्बे तो ले आई थी क्योंकि उसने कहा था मैं फ्रेम करके रखूंगा। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल हो वहां चले गए, बहुत बड़ा स्वरूप था, मैं अकेले तो ला नहीं सकती थी, वो गाड़ी में लेके आने वाला स्वरूप था। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड चले गए, मैं फिर उदास हो गई कि आज फिर मेरे गुरु जी नहीं आएंगे, क्योंकि वो वाला जो स्वरूप मुझे मिला था वो टूट गया था जब एक्सीडेंट से गुरु जी ने बचाया था। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड गए हॉस्पिटल, और उस टाइम डेंगू बहुत फैला हुआ था हॉस्पिटल में। जैसे अब कोविड के टाइम में हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, उस टाइम कोविड डेंगू बहुत फैला हुआ था, सारे हॉस्पिटल्स भरे हुए थे। तो वहां पे मेरे बड़े भैया को बेड नहीं मिल रहा था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा बेड मिला? कहते हैं अभी भी नहीं मिला। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी को लिया, मैं उनको लेके मैंने कहा चलो बच्चे हम गुरु जी का स्वरूप लेके आते हैं। तो संगत जी, मैं स्वरूप लेने चली गई, उनको बेड नहीं मिल रहा था। जैसे ही मैं स्वरूप लेके आई, मैंने गुरु जी को विराजमान किया अपने मंदिर में, और हमने गुरु जी डुगरी वाले या मैं कहनी ये शब्द लगाया। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड को उसी टाइम कॉल आ गई मेरी बेटी, और मैंने बहुत डांस किया था गुरु जी के, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं सत्संग कराऊं। हमने इतना डांस किया मेरी बेटियों ने, गुरु जी डुगरी वाले या मैं कहनिया। तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि इनको बेड, बड़े भैया को हॉस्पिटल में बेड मिल गया है। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी को स्थान देने से ही उनको बेड मिल गया हॉस्पिटल में। लेकिन उनकी क्रिटिकल सिचुएशन होती गई, उनकी प्लेटलेट्स इतनी डाउन होती गई, उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था कोई भी, वो बिल्कुल ही नीचे जा रहे थे। तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, 6 या 7 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारे हाथ से बाहर है, उनको आईसीयू में ले जाया गया। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि बड़े भैया की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मुझे बड़े मंदिर से दिव्य आभा मिली थी, मैं उसमें गुरु जी की संगत के सत्संग थे, मैं हर रोज जैसे फूलों वाला भैया आता था फूल चढ़ाती थी और वो सत्संग पढ़ा करती थी, तो मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास था गुरु जी उन पर मेहर करेंगे। तो संगत जी, मेरी भाभी के पास मैं गुरु जी का एक लोकेट स्वरूप लेकर गई और मैंने उनको दिव्य आभा दी। मैंने कहा भाभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो हनुमान जी की डिवोटी थी और वो हनुमान जी की बहुत आराधना करती थी। तो संगत जी, मैंने उनको दिव्य आभा पढ़ने के लिए दी। मैंने कहा भाभी आप कोई भी एक पन्ना निकालो, जो भी पन्ना सत्संग आएगा आप वो रीड करना, गुरु जी आपके ऊपर मेहर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आंटी ने, मेरी बड़ी भाभी ने सर पे लगाया तो उसके ऊपर इतना बड़ा हेडिंग लिखा हुआ आया, मेरे अंधकार जीवन में जोत जलाई। तो मैंने कहा भाभी आप चिंता मत करना, कितना सुंदर हेडिंग आया है, आप ये पढ़ो सत्संग, गुरु जी आपके ऊपर जरूर मेहर करेंगे। मैं उनको वो बुक दे के आ गई और लॉकेट मैंने कहा कि भाभी आप इनके भैया की या तो पॉकेट में डाल देना या तकिए के नीचे, जैसे आपको ठीक लगे, नहीं तो आप अपने हाथ में रखो, गुरु जी आपके साथ है, आप यही संभालेंगे। तो संगत जी, मैं जैसे ही घर दे के आई और मुझे रात को गुरु जी ने दिखाया कि एक स्वर्ग, स्वर्ग लोक है जहाँ पे सब कुछ व्हाइट है, वहां पर एक व्हाइट दाढ़ी में इतने बड़े बाबा बैठे हुए हैं और वहां पर इतनी बड़ी बुक उनके आगे लिखी है जिसके ऊपर सुरेश कुमार लिखा हुआ है, बड़े भैया का नाम लिखा हुआ था। और वो व्हाइट दाढ़ी वाले बाबा खड़े हो गए, जैसे ही मेरे हाथ में, मैं वहां पर गई तो मेरे हाथ में बड़े भैया की फोटो थी। तो मैंने उन बाबा को बोला इन मेरे बड़े भैया पर कृपा करो। जैसे ही मैं वो फोटो लेके गई तो वहां पे कांच के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति थी, वो कांच का मंदिर भी टूट जाता है और वो मूर्ति भी टूट जाती है, बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है।
तो मैं उनको सेकंड टाइम फिर कहती हूँ कि मेरे बड़े भैया पे कृपा कर दो, इनको ठीक कर दो। तो फिर वो मुझे हाथ, जैसे गुरुजी मना करते थे ना, बोलने नहीं देते थे, ऐसे चुप करा देते थे, तो उन्होंने मेरे को चुप कराया भी, हाथ ऐसे कर दिया। तो संगत जी, जैसे ही उन्होंने मेरे को ऐसे चुप कराया, मुझे मुझे समझ आया कि कहते जा यहाँ से। तो मैं जैसे ही वापस जाने लगी तो वो कांच का मंदिर अपने आप जुड़ गया, और उसमें माता की मूर्ति और शेरा वाली माता और हनुमान जी की मूर्ति अपने आप जुड़ जाती है। और मेरे को वो दर्शन देके गुरुजी ने समझा दिया कि अब उनको कुछ नहीं होगा। जो जैसे जब लेके जाती है तो टूट जाती है, जब उन्होंने मेरे को ऐसे कहा जा और वो जुड़ जाती है। सुबह जब संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी, मैंने कहा बड़े भैया को कुछ नहीं होगा, उनको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, उनकी मूर्तियां जुड़ गई हैं। तो संगत जी, उसी टाइम बड़ी भाभी का फोन आया कि अब वो उनकी प्लेटलेट्स बढ़नी शुरू हो गई हैं, वो अब खतरे से बाहर है। तो डेंगू, गुरुजी डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है इनको 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाए। तो संगत जी, जो 6-7 दिन से थे हॉस्पिटल में, गुरुजी का जैसे ही मैं लॉकेट स्वरूप और दिव्या आभा दे के आई, तो गुरुजी सबकी लाज रखते हैं, वो सबका कल्याण करते हैं। गुरु जी यहाँ पे कल्याण करने के लिए आए हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी के लिए हम अरदास कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, गुरु जी हम सबकी रक्षा करते हैं। गुरु जी कहते थे कि कोई एक जन आता है तो मैं उसके परिवार को, पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ।